तो दोस्तों, बिग बॉस के घर में जो नॉमिनेशंस हो चुके हैं कल, और दोस्तों लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड क्या कहती है, कौन आगे कौन पीछे है दोस्तों, ये मैं लेके आया हूँ अभी सुबह सुबह, जो जल्दी खचाखच खबर मिल चुका है मुझे। फाइनली वोटिंग ट्रेंड आ चुका है दोस्तों, कौन आगे है कौन पीछे है। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि नावेद आउट हो चुके हैं मीडू के इविक्शन में, और वो अपने दो दोस्त जिग्ना और रिंकू को छोड़ के चले गए हैं। बहुत ही बुरा लगा। फिक्स नॉमिनेशन था दोस्तों कल का, देख के लग रहा था जिग्ना और रिंकू को टारगेट करना चाहे थे वो लोग फंसाने के लिए, लेकिन जिग्ना फंस गई, रिंकू फंस नहीं पाई, है ना। तो अभिषेक ने बचा लिया रिंकू को। तो नावेद तो चला गया दोस्तों, लेकिन जैसा मैंने बोला वो तो, और रिंकू जिग्ना को छोड़ के चले गए। तो अब वोटिंग ट्रेंड में सबसे लास्ट में है दोस्तों जिग्ना जी। जी हाँ, जिग्ना वो रहा है जिग्नीत गुजराती, वो लास्ट में है, सबसे आउट हो जाना चाहिए था उनको। लोग बोलते टाइम पास कर रही है वो ज़्यादा, उनके पास कुछ है नहीं कंटेंट, क्योंकि वो मैनिपुलेशन नहीं कर रही है, झगड़ा नहीं कर रही है, और उनका जो गेम है वो ऐसा नहीं है कि भाई अभी वो खुल के आ रही है, क्या क्या बोल रही है वो। उनको जॉब नहीं मिलता था, उनके बेटे को जॉब नहीं दिया उनको, लोग बोलते थे कि उनके मतलब फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए उनके साथ लोग उनको जॉब नहीं देते थे, बस फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाना चाहते थे उनके साथ। एक्चुअली दोस्तों यही है इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो दोस्तों, बहुत ही गंदा सिस्टम है। जो ऊपर के लेवल के जो सीनियर्स होते हैं ना, वो आपको यूज़ करना चाहते हैं लेकिन आपको हेल्प नहीं करेंगे। जो मेरे साथ हुआ, जब मैं रेडियोथेरेपी इंडस्ट्री में आया जॉब के लिए, कोई सीनियर मुझे जॉब नहीं देना चाहता था, पता नहीं क्यों। छोड़िए, और जिगना लास्ट में है, फोर्थ में है सना, वो भी अच्छा खेल रही है, लेकिन कब तक देखते हैं। अगर डबल इविक्शन होता है तो जिगना सना जाएगी, अगर सिंगल तो जिगना का चांसेस है। फोर्थ में सना है, 3 नंबर में अनुराग। जी हाँ, वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं अनुराग, क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर पता नहीं क्या है उनका, अभी वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। हालांकि उनका बाहर से वोटिंग की पावर है वो तो है उनके पास, वोट से वो बच जाते हैं, लेकिन करीब वोटिंग पावर है उनका। 2nd नंबर पे सनी भाई। जी हाँ दोस्तों, सनी भाई तहलका भाई जो है वो 2nd पे आते हैं वोटिंग ट्रेंड में, और 1 नंबर पे अंकिता। प्रेगनेंसी की खबर आई आते ही अंकिता को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, लोग चाहते हैं अंकिता को देखने के लिए, अंकिता को सपोर्ट करना चाहते हैं जब से उनको पता चला है ना। वैसे नावेद ने कुछ इंटरव्यू में खास नहीं बोला कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है रिजल्ट, बस उसने बोला पॉजिटिव थिंक विल बी कम। तो दोस्तों वोटिंग ट्रेंड तो यही है दोस्तों, सबसे ऊपर है अभी अंकिता, और 2nd में है सनी, अनुराग है 3rd में, 4th है सना, लास्ट में जिग्ना। जिग्ना का चांसेस है जाने का, क्योंकि वो अभी थोड़ा बह गई है गेम में, है ना, खो गई है। चलिए दोस्तों, थैंक यू भाई, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया थैंक यू।